हर नहीं नहीं मौका ऐसा देता है बात नहीं अल्लाह शायद के भाई, रसूल ने उसको नीचा दिखाने के लिए, उस पे लान तान करने के लिए। ऐसा नहीं है। जाहिर सी कुरान बात में कई दफा आया है, जन्नत में औरत मर्द सबका साथ बराबरी का इंसाफ, सबको बराबर हक मिलेगा। और ये जो अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह के हिसाब से या नबी के हिसाब से जो हमको बताएगा, या उसी में रहना, अपने मन से वो चीज चेंज नहीं करना, वही बताएगा अरे है ना नहीं करना तो तुम चेंज नहीं करते हो क्या? तुम बाल नहीं कटाते हो अभी। अपने? जो अच्छा हो तो वक्त के हिसाब से वो चीज और चलता है ना। वो बहुत सारे चीज जैसे बड़े बड़े आलिम उलेमा सब मिलके उसका फैसला ले सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट में। किसका हाँ फैसला लोगे? जो जो चीज रसूलुल्लाह ने कह दी है उस पे तुम और डबल से फैसला करोगे? नहीं, वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे डेवलप करना या सुधार करना, वो नहीं फैसला है ले ना, सकते हो। नहीं ले सकते कि, अरे भाई जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने लानत कहा है, लानत भेज दिया है, उसमें तुम क्या फैसला लोगे? तुम्हारा तुम होते कौन है फैसला लेने वाले? ये बताओ ना कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ये? वो तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए। मैं आपको जैसे 1400 साल पहले जो उस टाइम बताया गया, मर्दों के लिए अपने बाल नहीं होता, डुप्लीकेट बाल मत लगाया करो, औरत का किसी का बाल कम हो जाता है, लंबे बाल डुप्लीकेट मत लगाया करो, उस टाइम की आईब्रो किस तरह क्यों नहीं? होता था अच्छा हमको नहीं अच्छा मालूम। डुप्लीकेट, 1 मिनट, डुप्लीकेट बाल क्यों नहीं हाँ लगाने का? क्यों या नहीं टाटू लगाने वगैरह, का? मर्द भी अपने बदन में टाटू नहीं लगाना, सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है, अरे दोनों के लिए हो चाहिए। लेकिन मुन्ना भाई आपका कैमरा चालू हो गया था यार। हाँ मैं हाँ ये कह रहा हूँ फ्री थिंकर के, डुप्लीकेट बाल क्यों नहीं लगाने का? तुम्हारे हिसाब से तो जितने ये इसका क्या कहते हैं उसका विक का धंधा कर रहे हैं, और ये तुम्हारा जो जितना इसका चलता है व्हाट यू से यार, हेयर ट्रांसप्लांट का, ये सब तुम्हारे हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए पूरा। जी लोगों के नहीं, बाल चले गए तो टकले बन के घूमे। हाँ अल्लाह के हिसाब से जैसा हुआ ऐसे ही रहो ना, खुद का तो वो चीज एक बाल तो लगा सकते यार हैं, लेकिन कैसी तुम लोग की सोच है यार, कैसी सोच है? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे बाल झड़ जाए, टकले हो जाए, तो वैसे ही रहो। हाँ तो अल्लाह की क्रिएशन, उसमें छेड़छाड़ क्यों करना है। इनके अरे यार फ्री थिंकर, दिमाग चलता है क्या तुम्हारा? चलता तो है बहुत। तुम टकले हो जाओगे, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तो तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे बाल का कुछ किया जाए ताकि वो वापिस आ जाए, या उसको उसको कुछ, अगर बाल नहीं भी आ रहे हैं तो कुछ आर्टिफिशियल उसमें लगाया जाए, तुम नहीं चाहोगे? नहीं आर्टिफिशियल नहीं, मेडिसिन लगा सकते हैं जो नहीं, उसका। मेडिसिन से, मेडिसिन हर हर बंदे पे मेडिसिन काम नहीं करती है, ठीक है? मेडिसिन से नहीं आ रहे अभी। तो आर्टिफिशियल के लिए तो माना ही है, उसका इजाजत नहीं हाँ है। वही कह रहा हूं ना कि तुम नहीं चाहोगे कि भाई मैं खूबसूरत दिखूं या मैं अच्छा दिखूं, कौन नहीं चाहता है? ये तुम्हारे अल्लाह को क्या प्रॉब्लम है इससे? अल्लाह तो कहता है वो शैतान की काम है, जो अपने मन से कुछ भी करता है, खुद बनावट का उसका बदल भाई हुआ देते तुम्हारा हैं। अल्लाह जो है ना एक जलंतर अल्लाह है, तुम्हारा अल्लाह जो है ना, तुम्हारा खुदा जो है ये बहुत जलने वाला अल्लाह है। एक अच्छा खुदा होता तो वो तो खुश होना चाहिए था यार। मतलब पहली बात तो उसको कुछ पड़ी नहीं होना चाहिए ये सब चीजों से, लेकिन उसको खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे बंदों ने इतना एडवांसमेंट किया है, हर एक चीज का इलाज रखा है, हर हर कमी को पूरी करने के लिए चीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है तुम्हारे पास। सुनो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर हाँ अगर तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन इनसे पूछना है मेरे को कि ये क्या कहते हैं, ठीक है? तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है, तुमने शादी की, फ्री थिंकर, हाँ तुमने शादी की, तुम सुहागरात मनाने गए, तुम्हारा सामान टाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुमको वाइग्रा या कुछ भी ऐसा दिया, ठीक है, हाँ वो भी काम नहीं कर रहा है। हाँ अभी एक ऑप्शन बचा है कि तुम्हारी नुन्नू में वो एक डिवाइस आता है इम्प्लांट, वो लगाया जाए, ठीक है, नीचे उसका बॉल होता है, वो दबाओगे तो फिर वो आपका जो ये है प्राइवेट पार्ट है वो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हाँ बताओ कि ये लगवाओगे क्या नहीं लगवाओगे अब अगर आर्टिफिशियल? इस्लामिक तरीका से आप चलोगे तो चाहे तो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग भी रहेंगे, किसी का भी डीला नहीं होगा,
सबका टाइट रहेगा। माय भाई अगर भाई एक मिनट भाई, नबी एक का मिनट, सुन्नत और अल्लाह के रास्ते में चलोगे, हिलाना मिनट, एक नहीं मिनट, एक हाथ मिनट, से, और सब गुनाह है नबी ने बताया। अच्छा लेकिन अच्छा आज एक मिनट, एक मिनट, एक आज के लड़का लोग हाथ से हिला के अरे रुक थोड़ा, पंद्रह तेरह साल में हिला कर देते, इसलिए तो ऐसा होता है। अरे रुक रे, आज ही मैंने एक वीडियो डाली है भाई, ये मौलाना मक्खी है ना, मक्के वाला मौलाना मक्खी, उसने क्या बोला, जिसका टाइट नहीं होता ना भाई, उसने शादी करने की लाइन से, जितना हथियार यूज करेंगे उतना टाइट होएगा हथियार। नहीं अरे वो तो देखो, मौलाना वो मक्खी ने अगर इलाज बताया गुप्त रोग का, हिला ज्यादा शादी का करने जिम्मेदार खुद होता की। है, उसका जिम्मेदार खुद होता है वो इंसान, वो खुद ही गलती करते, जो उसमें इस्लाम में आया, हदीस में आया, हर अच्छा जगह में आया, वो अच्छा चीज अच्छा गुनाह एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एक्चुअली है ना फ्री थिंकर, तुझे अमदा नहीं पता है, अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, ठीक है। तुझे लगता है कि जो इंसान हिलाता है खाली उसी का टाइट नहीं होता है, ठीक है, हाँ प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं वही है, है। देर बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से एक आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज हो सकता है, या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब बोलिए जी, जी, ये फ्री थिंकर, ये नाम के इरेक्टाइल, डॉक्टर ने सच्ची मुच्छे के डॉक्टर है, फ्री थिंकर सच्ची मुच्छे के डॉक्टर हाँ है। हाँ बताओ, आप जो ये बोल रहे हैं ना भाई, इरेक्टाइल, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत सारी डिस्फंक्शन, चीजों से हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकली टेंशन हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसको फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, तो उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका मेनली मेन रीजन ही साइकोलॉजिकल, कोई नहीं ये टेंशन आ डायबिटीज गया वगैरह वो सब उसको। तो बहुत सारे एज वगैरह होने के बाद होता है, और ऐसा कुछ उस टाइम बीमारी हुआ कौन उसका बोला भाई इस्लामिक डायबिटीज, तरीका से बच्चों को बहुत सारे डायबिटीज होता है, ये दवाई कौन है। बोला तुम? और डायबिटीज वगैरह वो भी आजकल हो रहा है, पहले की वो सब तो था ही नहीं। तो हाँ फ्री क्यों, थिंकर, अब फ्री थिंकर इस्लामिक तरीका से लोग सुन, बाहर जा रहा है, इसलिए हो रहा है ये सब, सुन उल्टा सीधा अरे मेरे खाते हैं, भाई, उल्टा भाई सीधा आप चलते कौन है हैं। भाई? फ्री थिंकर सुन मेरी बात सुनो, फ्री थिंकर यानी अगर समझो कोई भी वजह से एक इंसान को ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसके पास लास्ट ऑप्शन है इम्प्लांट बिठाने का, ठीक है, तेरे पास, तो अब वो इस्लाम के हिसाब से इम्प्लांट बिठा सकता है कि नहीं बिठा सकता आर्टिफिशियल? देखो सहल भाई, जो बीमारी के हिसाब से कोई भी चीज कर सकते हो आप, लेकिन बेवजह फालतू का जो शैतान के काम है, कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हो। तो बीमारी के हिसाब से तू जो है अपनी मर्जी चलाएगा, मतलब ये डोगलापन नहीं है ये बीमार तो उसका इलाज है, वो जो ये, उठ लेकिन कुछ लोग बीमारी बीमार में था, उल्टा पेशाब भी पीने को अलाउ किया उस टाइम, प्रॉफिट नहीं, वो बीमार लोग थे। मतलब बीमार बीमार रहोगे तो आप जो है अल्लाह की क्रिएशन को चेंज कर सकते हो, है ना? नहीं, क्रिएशन को चेंज तो करना नहीं हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है ना भाई। क्रिएशन चेंज हो रही ना, तो वो जो इम्प्लांट है वो तो कोई अल्लाह की क्रिएशन नहीं थी, वो अंदर डाल दिए। अरे फ्री थिंकर, अल्लाह की मर्जी से खड़ा होना बंद हो गया रहेगा ना। नहीं भाई उसका तो देखो, वो जो उस चीज में होता है प्रॉब्लम, वो मैक्सिमम सभी वही होता है, अपनी गलती से होता है उसका, तो हमने बहुत सारे न्यूज भी देखा फ्री और हर थिंकर, टाइम उसका फ्री बड़ा ही। थिंकर सुनो, हाँ ये तुम्हारा जो रिलीजन है ना, ये एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है, प्रॉब्लम ये है, और तुम उस इलॉजिकल चीजों को इधर लॉजिकल साबित करने की कोशिश जब करते हो ना, तो तुम और बहुत बड़े इलॉजिकल इंसान लगते हो। जो चीज गलत है ना उसको मानो कि हाँ ये गलत है, रसूलुल्लाह को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई कोई औरत अगर कोई फीमेल, यार इनको मैं डिसेबल कर रहा, ये म्यूट कर रहा हूँ, बात सिंपल सी है कि रसूलुल्लाह को ये सब चीजें औरतों के बारे में इतनी घिनौनी घिनौनी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई आईब्रो बना रही है तो वो लानत ही है। ये सब चीजें नहीं होती भाई, ये गलत तरीका है बहुत, इतना किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना ये बड़ी अजीब बातें हैं। स्पेस दो लोगों को, तुम्हारा जो रिलीजन है वो स्पेस नहीं देता है इंसानों को, बांध के रखना चाहता है एकदम, और बांध के भी ऐसे कि ऐसे कि भाई जो नॉर्मल चीज है उसमें भी अपनी अकड़ दिखाता है, समझे फ्री थिंकर? हाँ हाँ सॉरी एक मिनट रुको, हाँ ठीक है फ्री थिंकर,
हाँ साहिल भाई, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें बात ऐसे है कि देखो बहुत सारे चीज चेंजेज हुआ है, जैसे कि फोटो हम तस्वीर नहीं खींच सकते थे, लेकिन आजकल मोबाइल से तो हर कोई तस्वीर ले रहा है कि नहीं? तो ऐसा वक्त के हिसाब से बहुत सारे चीज सुधार हुए है, और जैसे हम पार्लियामेंट में कोई भी अपना संविधान को कुछ तो नया बोलो ना, बिल रसूलुल्लाह लेकर, ने गलत किया, हम उसको सुधार रहे, इतना तो बोल दे। ये रसूलुल्लाह ने बात गलत कहा, हम मैं उसको समझना सुधारेंगे। होगा। 1400 साल अबे पहले जो आईब्रो लगाते थे वो किस चीज से लगाते, उस टाइम कैसे दिखा जाता था? आज का जो लगाने इतना की बात नहीं है, डेवलप उसमें लगाने लड़की की थोड़ा बात नहीं बहुत हो रही लगाते आईब्रो। हल्के पुलके, मैं खुद उसका फतवा देता हूँ, जो थोड़े बड़े लड़की लगाते हैं छोटे मोटे ये सब देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आते, वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये आईब्रो लगाने की बात नहीं हो रही है, आईब्रो में से बाल निकालने की बात हो रही है। अल्लाह हैज बाल क्यों कर्ज्ड दोस निकलना? वुमेन हु प्रैक्टिस टैटूइंग एंड दोस वुमेन हु हैव देमसेल्फ्स टैटूड एंड दोस वुमेन हु गेट देयर हेयर रिमूव्ड फ्रॉम देयर आईब्रोज एंड फेसेस हाँ एंड दोस हु मेक आर्टिफिशियल स्पेसेस बिटवीन देयर टीथ फॉर ब्यूटी वेयर बाय दे चेंज अल्लाहस क्रिएशन। ये बात है कि भाई ये अल्लाह की क्रिएशन चेंज हो रही है। भाई आईब्रो कोई बना दे तो कौन सी अल्लाह की क्रिएशन चेंज हो गई? ये क्या यूजलेस है एकदम। उसमें आईब्रो नहीं, उस टाइम ऐसा बहुत सारे चीज हुआ करता था, तो सबको मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट ने वो चीज बताया कि ऐसा अरे करना नहीं यार, चाहिए, हो और गया, इतना ही है, इतना वो ही भी तो आर्गुमेंट कोई देना। कोई सहाबी ने बताया था उनकी एक वाइफ की सहेली को, और उसी ने वो चीज पूरे रात कुरान पढ़ी, उसको मिली नहीं, फिर आके पूछा मैं पूरा कुरान पढ़ ली मुझे क्यों नहीं मिला? प्रॉफिट ने बताया तुम कुरान की 79 और 7 आयत वो पढ़ो, और फिर सूरह अल निसा की आया जैसे कि उसमें हाँ 18 और 19 पढ़ो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चीजें जो रसूल अल्लाह की बात उसमें भी हमको पूरा अमल करना है, ठीक है? कुरान में डायरेक्टली नहीं तो प्रॉफिट ने बताया ऐसा वो चीज बताया गया, तो मैं तो ऐसा कोई हादिस मुझे नहीं मिला, प्रॉफिट ने डायरेक्ट बताया, और कोई सहाबी उसके ठीक बाद जाके ऐसा है, चीज निकाला। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया फ्री थिंकर साहब, आप आए और आपने अपनी बात और रखी। तो एक बात और बताऊं मैं, क्या आप थोड़ा बताना है? बोलने देंगे मुझे, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, मेरा वो सही हो या गलत हो, मैं थोड़ा वो आपका डिबेट सुन रहा था, जो मतलब प्रॉफिट हो मतलब नंगा उनका जो पेशाब पी गया था, लेकिन वो चीज देखो एक बार गलती से मिस्टेक से किसी एक जैसे स्लेब गाल मतलब प्रॉफिट की वाइफ उम्मे सलमा की स्लेब गाल उसी ने गलती से पी लिया था, वो लाइफ में एक बार ही हुआ था, ठीक है? दोबारा अच्छा, कभी नहीं हुआ, और मुझे वो मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता। हाँ अगर उसने गलती से पिया भी था, ठीक है, हाँ तो रसूलुल्लाह का काम क्या कहना चाहिए था कि ये पेशाब तूने जो पिया ये नापाक है, ये हराम है, ये कहना चाहिए था? अरे अल्लाह की नबी है, और उन्होंने उस स्लेब गर्ल को यही बताया कि उसके पेट में कभी दर्द नहीं होगी और वो तो जन्नती वही होगी, बोल रहा हूँ ना, वही बात है ना? नापाक। अरे मेरे भाई, वही कह रहा हूँ ना, रसूलुल्लाह ने वो मौका देख के चौका मारा ना। रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था, रसूलुल्लाह को, कि ये जो पेशाब ये तूने जो पिया वो मेरा पेशाब है, ये एक नापाक चीज है, ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? और दूसरा, अभी नो पेशाब पेशाब और पानी में फर्क है कि नहीं है? देखो, अगर आंख बंद करके पेशाब का गिलास देंगे तो तू उसको पानी समझ के पी जाएगा क्या? लेकिन वो लड़की तो समझ के पी गई ना, उसको तो समझ में नहीं अरे आया। मैं, अरे मेरे भाई, मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तेरी आंख बंद करके तेरे हाथ में पेशाब का गिलास पकड़ाएंगे तो तू पी जाएगा क्या वो पूरा? हाँ हमको तो उसका बदबू आएगा, समझ में आ जाएगा। आ जाएगा ना, अक्कल है ना तेरे हाँ अंदर भाई। हाँ हाँ, तो वहां पे वो उसने उसको गटक से पी ली पूरा। तो इसलिए तो हम वो अल्लाह की रसूल को इतना रेस्पेक्ट करते हैं अपनी जान से ज्यादा, क्योंकि वो अल्लाह की रसूल है, क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके उनका पास पेशाब फरिश्ता मुबारक आते थे, उनका हर चीज पाक है। था, ठीक है? वो अल्लाह की रसूल है भाई, तो तू भी पीता ना, बाप तो तू भी पिएगा ना फिर। रे बाप, हाँ, लेकिन फ्री थिंकर बस प्रॉफिट बस साहिल भाई, अपनी इसको जिंदगी थोड़ा सा ही ले में सकते, बस ज्यादा उन्होंने नहीं। किसी को नहीं बताया, और ये वाकया दोबारा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार तो गलती भाई से हुआ। तो सुन ना, देख देख, रसूलुल्लाह के पेशाब पीने के बाद उसकी फजीलत बताई है रसूलुल्लाह ने, ठीक है,
तेरे और जहन्नम के दरमियान ये आड़ आ जाएगी, या तेरे पेट में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, जो कुछ भी फजीलत बताइए। तो रसूलुल्लाह के पेशाब में फजीलत है, ठीक है, मुझे ये बता वो। हाँ डेफिनेटली है बोल रहा है बंदा, रसूलुल्लाह के पेशाब में फजीलत है। अच्छा ये बता, तू ये फजीलत फजीलत लेने के लिए तू रसूलुल्लाह का पेशाब पिएगा या नहीं पिएगा? अभी देखो रसूल अल्लाह कहा 1400 साल पहले की बात है, अभी आज की दौर हो गया यार, उस टाइम गलती से भी और किसी ने भी नहीं पिया, अरे गलती से कि अरे सुन ना मेरे भाई, ये देख एक चीज तूने ये कहा कि रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है, ठीक है, हाँ दूसरा मैंने तुझे ये बताया उसी हदीस से कि उसमें फजीलत भी है, ठीक हाँ है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक तो पाक और दूसरा फजीलत, ये दोनों हाँ पाने के लिए तू रसूलुल्लाह का पेशाब पिएगा या नहीं पिएगा? अगर रसूल अल्लाह ने बताया होता मैं 100 दफा पी लेता। आए हाय 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 हाय, आए हाय हाय हाय। तो गाइस फ्री थिंकर के लिए ना सब ये भेजो, फूल भेजो, गुलाब फेंको सब, कि ये रसूलुल्लाह का पेशाब 100 बार पीता, 100 बार पीता, अगर रसूलुल्लाह इसको बोलते। चीयर्स भेजो भाई, चीयर्स भेजो, चीयर्स चीयर्स भेजो भाई, पेशाब मत बोलो साहिल भाई, पेशाब मुबारक, पेशाब मुबारक, सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी। चीयर्स वाले ग्लास भेजो, चीयर्स वाले शैंपेन के ग्लास भेजो, चीयर्स वाले ग्लास भेजो सब। माशाल्लाह प्रीतिंकर भाई, माशाल्लाह। साहिल भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना डॉक्टर साहब। बोले भाई आपको एक आर्गुमेंट देता अगली बार बोलने के लिए, फ्री थिंकर साहब, अगली बार लोगों क्या बोलो रसूल को डायबिटीज था, तो डायबिटीज में क्या होता है, मीठा हो जाता, तो उसका पेशाब का स्मेल भी स्वीट हो जाता, टेस्ट भी मीठा हो जाता। अगर रसूल अल्लाह बहुत सारे लोगों को पिला था अपनी लाइफ में, एक बार हुआ वो भी गलती से हुआ, बोला कोई बुराई नहीं, अच्छा है ठीक है, लेकिन वो चीज को भी किसी के लिए तो अलाउ नहीं किया ना, लेकिन और एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैं सुना कि रसूल अल्लाह की कोई नंगा नहा रहे थे या नंगा किसी को जियाद को मिला, कितना बेहुदा बात है यार। उधर मेरे सुन, ये जो नंगी वाली बात है ये मेरे स्ट्रीम में नहीं हुई है और मेरे को पता भी नहीं है, ये एडम बोला था। हाँ तो अरे भाई तो एडम ने बोला है, तो एडम की स्ट्रीम में जाके चेक करो ना कि क्या दलीलें दी है, अब जो चीज लिखा हुआ है उसको बोलने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है? नहीं यही बोला था आपकी, हाँ कुछ देर पहले। हाँ, नहीं नहीं वो डालेगा, वो प्रीमियर चलाएगा, उसने ये बोला था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसा लिखा हुआ है, अगर वैसा लिखा हुआ है तो आप लोग बोलने वाले पे आप लोग क्यों भड़क जाते हो, जो लिखा है उस पे भड़कना चाहिए ना आप लोगों को। भाई डिफेंस करने वाला तो हमको भी थोड़ा बोलने का मौका दो, सही है या गलत है, कम से कम व्यूअर्स को भी तो मालूम होगा ना। हाँ तो जाके वो जब उसका चलेगा ना और वो नेक्स्ट टाइम रहेगा एडम, तभी उसे पूछना, तेरे आर्गुमेंट लेके आना कि भाई ये तुमने जो बताया ये गलत बताया सही बताया। लेकिन आपको एक चीज बोलो मैं, जैसे कि हमारे रसूल अल्लाह मतलब अबू बकर साहब से कभी आते थे और उनको नंगा मिलते, नंगा का मतलब ये होता है जैसे नाभि की और घुटने के नीचे का एक कपड़ा रहते थे लेकिन ऊपर का कपड़ा नहीं, चादर मिल जाते, कभी उमर आते थे राजी अल्लाह तआला मिल जाते। अरे भाई मैं वो हदीसे नहीं देखा हूँ, तुम मेरे से बहस करेगा मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, अगर मेरे को हदीस से वो पता होती तो मैं पहले ही वो चीज कवर कर लिया होता। एडम ने उस चीज को कवर किया है ना, वो वीडियो देखो उसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया है, उसमें कुछ आर्गुमेंट देना है, तो जब एडम जब भी ज्वाइन होगा तब उसमें पूछना कि भाई ये तुमने गलत बताया है ये गलत नहीं बताया है।
प्रीमियर चलाएंगे वो, ठीक है? तो कल आप जागरण से देख लीजिएगा। साहिल भाई ने बोला ना उनको इस चीज के ऊपर इल्म नहीं है, तब सुन लो प्लीज उनकी बात। नहीं पता है उनको वो क्या बात करते हैं। नहीं नहीं मैं तो उससे बात कर लीजिएगा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो एडम ने बताया। एडम से बोल लीजिएगा, क्लियरिफिकेशन मतलब दूसरा उसमें बहस नहीं डिबेट। एडम भाई से बोल लीजिएगा, एडम भाई से बोल लीजिएगा आप प्लीज, बता दीजिए इस बात को। अच्छा एक काम करो आप लोग, मुझे एडम से कैसा भी एक घंटा का डिबेट कराओ और मैं नास्तिक बनूंगा। अच्छा चलो एडम, एडम को ज्वाइन करना है, चलो तभी तू चाह रहा है तो ये लो। एडम टीम में जगह बन गई है, अब मुझे मुझे नहीं बोलना भाई। अपन सब यार मैं जगह बना रहा हूँ, कोई ना ज्वाइन करे, रिक्वेस्ट है एडम को ज्वाइन करना है। और ये लास्ट कॉलर है, उसके बाद हमें फिरोज खान साहब आपका कैमरा ऑन है यार। फिरोज खान साहब कैमरे के साथ आना है तो एक बार हाथ बताइए। फिरोज खान साहब कैमरे के साथ अगर आपको आना है, हाँ ओके ये लो एडम भी आ गया। फिरोज भाई एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट दीजिएगा एडम, इससे पहले कि तुम। अरे भाई मैं फालतू आदमी नहीं हूँ, मुझे काम रहता है दिन में, बस 5 मिनट बात करनी है। अच्छा बोलिए फटाफट बोलिए। आपने जो वीडियो में थंबनेल लगाया उसमें मैंने 4 पिक्स देखी है लड़कियों की, 4 तस्वीरें हैं, चेहरे पे बाल वाली दो, खूबसूरत चेहरे वाली दो। हाँ मैं कुरान हदीस पे बात नहीं करता है, क्योंकि आपको कुरान हदीस पे बात करना है तो उलमा से संपर्क करो, लेकिन मैं आज के सामाजिक पहलू पे बात करता हूँ। आज हमारे समाज में जिस लड़की के चेहरे पे देखे तो ही बाल आते हैं ना, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, खड़ी मोज अबरो बहुत भयानक हो गया माथे पे बाल। अगर मेकअप के जरिए उनकी शादी कर दी जाती है ना, एडवांस मेकअप का सारा लेकर उनकी शादी करा दी जाती है ना, तो जब मेकअप उतरता है ना तो बेलन में बेलन मिलता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वजह से आईब्रो नहीं करना चाहिए लड़कियों को? वो मुझे नहीं मालूम है, मैं समाज में कई केस देखा हूँ, लोग अपने घर की बच्चियों का मेकअप करा कर हाँ मंगनी करा देते हैं, शादी करा देते हैं, लेकिन जब राज खुलता है ना तो पूरा परिवार बेलन बेलन देता है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इसमें एक मिनट मेरी बात तो सुनो, कंप्लीट करने दो, कोई इतना बेवकूफ नहीं हो। अरे मेरे मेरे भाई फिरोज भाई आप बात सुनोगे? ये ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है? मेरी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो वो तो गलत बात है। और कोई यार ये फ्री थिंकर का माइक है ना, सर दर्द कर देगा। हाँ तो मैं यही मैं जो समाज में हो रहा है। जवाब को ले लो, जवाब के बना फिरोज भाई, जवाब ले लो प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी करने के टाइम पे कोई ऐसा बेवकूफ इंसान नहीं होगा कि शादी जो है किसी को मेकअप की इसके लिए इनको नहीं लेना चाहिए यार। सुनने का नहीं अपनी बताने का है, आपने बता दिया एक सिचुएशन, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, ये सुन लो, उसके बाद अपनी बात रखो प्लीज, बीच में मत बोलना अभी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि शादी लड़की के मेकअप पे देख के करे, उसको बिना मेकअप के भी लड़की को देखना चाहिए, मेकअप के साथ भी देखना चाहिए, उसके बाद शादी का फैसला करना चाहिए। और सिर्फ लड़की पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लड़के पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है? आप इससे ये नहीं बोल सकते हो कि चूंकि ये ऐसा होता है इस वजह से किसी लड़की को आईब्रो करना ही नहीं चाहिए, और अगर वो आईब्रो करे तो वो लानती है क्योंकि अल्लाह के रसूल उसको लानती बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है जी फिरोज साहब। एक मिनट अनम्यूट करता हूं इनको। तय करने के लिए उसके चेहरे पे नकली बाल लगा दिए, क्या कहते हैं उसको? ये गलत है भाई, भाई गलत है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। उसको देखी, पसंद करी, चेहरे सब कुछ ठीक ठाक लगा, गलत है, गलत है, गलत है बताना चाहिए, जो भी हकीकत बताना चाहिए वो गलत है। उसके वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई अगर मेकअप कर रहा, सुनो मेरी बात यार, शादीशुदा हो
मेरे भाई मैं शादीशुदा हूँ नहीं हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपके उसी थंबनेल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं 1400 साल पहले जाकर जवाब नहीं दूंगा, मैं 1400 साल बाद आज का आज की अपने समाज आज में क्या चल रहा है। नहीं नहीं वो नहीं चाहिए भाई, आज के समाज में क्या चल रहा है वो नहीं चाहिए। मुझे इतना चाहिए आपसे कि रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली पे लानत क्यों भेजी, इसका जवाब दो। साहिल भाई तुम 1400 साल पहले का समाज सुधार पाओगे, आज का समाज सुधारोगे? ये जो लानत है अल्लाह के रसूल की ये सिर्फ ये सुनता नहीं है यार, ये आदमी इसके लिए निकालना पड़ता है। सहल आज की बात दे रहे हो, आज की अगर बात कर देना तो सुन्नत ये है कि आप 3 रीजन की वजह से शादी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो रिलीजियसली पायस है उसके साथ शादी करो, शक्ल नहीं देखो। ये आपकी हदीस है तो शक्ल देखने से तो वैसे ही मना किया। नंबर दूसरी बात, लोग मेकअप की बात करते थे, इस्लाम में तो बुरका है, वो बुरका हिजाब में लड़की उसके साथ शादी कर ली, मेकअप किया या ना किया आपको पता कुछ नहीं है। अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले अगर आप गूगल पे सर्च करें तो एक इजिप्ट में इसी चीज के ऊपर जो है ना तलाक हो गई थी कि उसने बुरके में देखा था, बुरके में और बुरका खत्म हुआ तो पता लगा अंदर से कुछ निकला कुछ और, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो भाई ये तो सब प्रॉब्लम्स है। और नबी पाक ने तो 2 चीजें कही, उन्होंने कहा मैरिज करो रिलीजियस वुमन के साथ, और दूसरा क्या मैरिज उससे करो जो यंग हो वर्जन हो ताकि तुम उसके साथ खेलो और वो तुम्हारे साथ खेलो। तो शक्ल पे तो मोहम्मद साहब ने कभी बात ही नहीं की, उनके लिए तो सिंपल सी बात है, चेहरा यू नो छुपा लो, जो हमारी पंजाबी की कहावत है ना, जो कुछ करना है वो तो चेहरे पे करना नहीं, वो तो नीचे करना है ना। तो हाँ, रुमाल डालो और अगर चेहरा नहीं भी पसंद है तो रुमाल डालो। अरे रुक फ्री थिंकर, मतलब चेहरा नहीं पसंद है तो रुमाल डालो और बाकी का काम भारी करो। एग्जैक्टली, नबी पाक ने ही 2 बातें बताई हुई असल में देखा जाए तो, हदीसों के साथ साबित होता राइट। लेकिन ये जो सोशल, अरे फिर बोलता है यार, रुक ना जरा, ये किस्सा तो खत्म हो जाने दे फिरोज भाई का। देखो एडम, प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो इशू बता रहे सोशल इशू, तो ये जो बता रहे हम इनसे थोड़ी ना इत्तफाक रख रहे कि हाँ एक इंसान को जो है वो आर्टिफिशियल अपना कवर करके धोखा देके शादी करना चाहिए। प्रॉब्लम हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कोई शादी करने जा रहा है तो वो लड़का जो है वो लड़की को देख ले अच्छे से, चाहे वो मतलब बिना मेकअप के भी देख ले, और लड़की जो है वो लड़के को देखे उसके बाद फैसला करे।